मध्य प्रदेश के श्रद्धालु नेपाल में फंसे हुए थे, जिन्हें भारत वापस लाने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं को नेपाल सरकार के द्वारा आज सुबह बस से सुनौली बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वहीं डिंडोरी कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन पर रात को ही डिंडोरी जिले के श्रद्धालुओं को लेने अधिकारियों की टीम सुनौली बॉर्डर भेज दी गई है। श्रद्धालुओं के वापस आने की खबर मिलने के बाद परिजनों ने भारत सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि हमारे संकट की घड़ी में शासन और प्रशासन की सहायता और सुरक्षा पहुंचाने की व्यवस्था से हम लोग नेपाल से सुरक्षित वापसी कर रहे हैं। हमारे कोई भी यात्री कहीं भी फंसा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सदैव चिंता की और मुझे इस बात का संतोष है। हमने जैसे ही भारत सरकार के अधिकारियों के माध्यम से नेपाल के लोगों से संपर्क किया और वो हरकत में आए और हमने अपने एक एक तीर्थ यात्री की चिंता की, वो सब सुरक्षित है, उनको निकाल के लाए। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि किसी देश के किसी हिस्से में या देश के बाहर के किसी हिस्से में अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई अनहोनी होती है, तो सदैव हमारे भारत सरकार के सभी अधिकारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब तत्परता से काम करते हैं। उसका हम सबको एक तरह से मन में संकल्प और उनका आत्मविश्वास भी है और ये उनकी त्वरित गति से काम करने की कार्यप्रणाली भी है।